दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना जारी है। वहीं ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो रही है। पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल को पीड़ित पहलवान दिल्ली पुलिस के सामने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर FIR दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके दो दिन बाद यानी 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। FIR दर्ज नहीं होने को लेकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पहली FIR में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दूसरी FIR में 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अब इस FIR में पीड़ित पहलवानों ने क्या शिकायत दी, इसको लेकर कुछ जानकारियां हमारे पास निकल कर सामने आई है। इस FIR में पीड़ित पहलवानों ने फिजिकल टच, टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने और कसकर गले लगाने जैसी बातों का जिक्र किया है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के कराए FIR में से 4 बड़े आरोप की चर्चा मीडिया में फिलहाल चल रही है। इन चारों आरोपों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर पहला जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो है सांस लेने के पैटर्न के बहाने छेड़छाड़ करने का। यह आरोप दो महिला पहलवानों ने लगाया है। पहलवानों ने शिकायत में कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ। इस दौरान ब्रजभूषण सिंह ने पीड़ित पहलवानों की जांघ, कंधे, पेट और छाती को छुआ। दूसरा बड़ा आरोप रेस्टोरेंट में छाती और पेट छूने का है। यह आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया है। पीड़ित पहलवान का कहना है कि साल 2016 में टूर्नामेंट के दौरान ब्रजभूषण सिंह एक रेस्टोरेंट में थे। इस दौरान उन्होंने उस पीड़ित पहलवान की छाती और पेट को छुआ था, जिसके बाद महिला पहलवान बुरी तरह से घबरा गई थी और उस रात खाना भी नहीं खा पाई थी और वो पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। तीसरे बड़े आरोप में एक दूसरी महिला पहलवान ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा है कि साल 2019 में वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। ये टूर्नामेंट जहां हो रहा था वहां ब्रजभूषण सिंह भी गया था और किसी बहाने से उसकी छाती और पेट पर हाथ लगाकर उसका उत्पीड़न किया। वहीं चौथे और सबसे बड़े आरोप में दो महिला पहलवानों ने अपनी हामी भरी है, जिसमें उन्होंने कसकर गले लगाने का जिक्र किया है। पीड़ित पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि साल 2018 में सांसद ने उसे काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। इस दौरान ब्रजभूषण सिंह के हाथ उसकी छाती के करीब थे, इससे वो असहज हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को ब्रजभूषण सिंह के चुंगल से छुड़ाया। हालांकि अब तक महिला पहलवानों ने इससे पहले ब्रजभूषण सिंह पर जितने भी आरोप लगाए हैं, ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें सिरे से खारिज किया है। लेकिन इन चार बड़े आरोपों के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहलवानों का ये धरना अब और कड़ा रुख अपना सकता है और साथ ही इन्हें समर्थन देने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। बहरहाल जिस तरह से इन चार बड़े आरोपों का खुलासा हुआ है, अब देखना होगा कि ब्रजभूषण सिंह इन आरोपों पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।